चले करते हैं डीसी के नए सुपर हीरो पेशकश ब्लू बीटल का रिव्यू। अफसोस, ब्लू बीटल मेरे शहर रिलीज नहीं हुई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कोई गल नहीं, क्योंकि एंटरटेनमेंट का नाता टूटना नहीं चाहिए। एज मेरे फेवरेट फिल्म मेकर्स में से एक, राज और डीके की नई पेशकश गंस और गुलाब आई है नेटफ्लिक्स पर, जो वैसे भी मेरी पहली व्यूइंग चॉइस होने वाली थी। चल झूठा। तो अब चलिए जानने की कोशिश करते हैं कैसी है ब्लू बीटल, गंस और गुलाब उसके रिव्यू टाइम के साथ। वेलकम टू द चैनल, जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का, जस्ट अ रिव्यू। राज और डीके फैमिली मैन और फर्जी जैसे हिट सीरीज के बाद आज के दौर के सक्सेसफुल फिल्म मेकर डुओ में से एक बन गए हैं। उनकी फिल्मोग्राफी में इन दो सीरीज के अलावा भी आइकॉनिक फिल्में जैसे शोर इन द सिटी 99 और गो गोवा गोन जैसी आइकॉनिक फिल्में थी, पर उन्होंने अपने आप को एज फिल्म मेकर्स पाया है ओटीटी वाले जॉनर में ही। अब इस सक्सेस स्टोरी में एक नई सीरीज आई है उनकी, जो उनके तरफ से एक और छक्का है, गंस और गुलाब। गंस और गुलाब सेट है गुलामगंज नाम की जगह पर, जहां ओपियम की खेती होती है, कुछ ऑथराइज कुछ अनऑथराइज। इस अनऑथराइज खेती के इर्द गिर्द कई किरदार घूम रहे हैं, जिसमें शामिल है टीपू, राजकुमार राव का किरदार, जो एक ड्रेडेड गैंगस्टर का बेटा है, जिसे स्पॉइलर अलर्ट निभाते हैं खुद डायरेक्टर राज निधिमुरु। इनफैक्ट डीके भी एक कैमियो करते हैं उस इंसान के रूप में, जिसे फ्लैशबैक में गुलशन का किरदार मार रहा होता है। खैर, टीपू से उसके पिता के साथ रिलेशनशिप कुछ कंफ्यूज है, नफरत भी है थोड़ा बहुत और प्यार भी, जो धीरे धीरे हिंट किया गया है। टीपू के बाप को मारने वाला इंसान है आत्माराम, जिसे निभाया गुलशन दवैया ने, एक असासिन जिसके इर्द गिर्द हवा चलता है कि बिल्ली की तरह उसके पास भी 9 जिंदगियां हैं, यानी उसे वरदान है कि उसे कई बार मारना पड़ेगा तभी वो मरेगा, नहीं तो वो बोलता रहेगा अभी हम जिंदा हैं। इस ओपियम की खेती का बड़ा डॉन है गांची, लेट सतीश कौशिक अपने आखिरी कुछ रोल्स में बहुत बेहतरीन है, और उनके साथ है उनका बेटा छोटा गांची, एक मिस्टीरियस किरदार जिसकी मिस्ट्री धीरे धीरे खुलती है और अंत में समझ में आता है कि कितनी दुख भरी लाइफ है उसकी। इस किरदार में कोई दूसरा एक्टर होता तो शायद निभा नहीं पाता, पर यंग एक्टर आदर्श गौरव इतने ब्रिलियंट है कि मत पूछिए। फिजिकलिटी में भी अपने किरदार के बारे में हिंट देते हैं, कोई ओवर द टॉप हिंट नहीं पर सटल, जिससे शक पैदा होना शुरू हो जाता है कि जैसे वो दिखता है वैसा है नहीं। आखिरी में इन सब को रोकने के लिए नारकोटिक्स ऑफिसर अर्जुन वर्मा, दिलकर सलमान का किरदार, जो ऊपर से ईमानदार है पर अंदर खुद भी एक सीक्रेट लेके घूम रहा है। कहानी में कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट तब आता है जब बंगाली एक्टर राजत्व दत्ता आते हैं एक बहुत बड़े ओपी मॉर्डर के साथ कोलकाता, ये ऑर्डर सबको चाहिए और सभी इससे किसी न किसी तरीके से जुड़ जाते हैं। इसी ओपियम की कहानी में टीनेज लव को भी डाला गया है, कुछ यंग स्कूल गोइंग बच्चों की कहानियां दिखा के। इतनी कहानियों को एक साथ जोड़ना मुश्किल था, पर इन अजीब किरदारों के इर्द गिर्द राइटर राज डीके, सुमंत कुमार और स्क्रीन प्ले राइटर कुणाल मेहता बहुत सारा ह्यूमरस सिचुएशन डालते हैं, जो सीरीज के इतनी कहानियां होने के बावजूद भी इसका इंटरेस्ट लेवल गिरने नहीं देती। और सुमित अरोरा के डायलॉग्स हिलेरियस हैं, जो आपको इतना हंसाएगी कि मत पूछिए। राज डीके के प्रोजेक्ट्स में ह्यूमर और वियर्ड किरदार ना हो ऐसा हो नहीं सकता। इस सीरीज में तो हर के वियर्ड से वियर्ड किरदार है और हंसी के फव्वारे, जिसे हम डार्क ह्यूमर कहते हैं, आते ही रहते हैं। राज डीके तो मर्डर जैसे संगीन चीज से भी हंसी निकाल देते हैं। आखिर के वो रिव्यूज बड़े मजेदार है, खासकर आदर्श और आत्माराम वाला, जो सेकंड सीजन के लिए अच्छा सेटअप है। कहानी से कुछ छोटी मोटी कंप्लेन ये भी है कि श्रेया धनवंतरी के रोल नहीं भी होता तो चलता, अननेसेसरी लगा मुझे। पूजा गौर और दिलकर सलमान के रिलेशनशिप को और उभारना चाहिए था, क्योंकि ये सीरीज 90s में सेट है तो राज और डीके हर वो नॉस्टैल्जिक रेफरेंस देते हैं जिससे हम जुड़े हुए हैं, जैसे गोल्ड स्पॉट का बॉटल, लव लेटर्स लिखना जिससे व्हाट्सएप और ईमेल ने खत्म कर दिया है, टेप कैसे जिसकी रील बार बार निकल जाती थी उस वक्त, एंड क्रेडिट्स में सतीश कौशिक के नाम के नीचे कैलेंडर लिखा है मिस्टर इंडिया से, उनके आइकॉनिक किरदार पर रेफरेंस है, और एक अच्छा ट्रिब्यूट टू लेट सतीश कौशिक। जहां एंड क्रेडिट्स की बात हुई, उसे भी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जैसे तब की फिल्म्स में कई बार किया गया था। रास्ते में तब दिखने वाले डमरू वाले जादूगर, जो अब YouTube में दिखने लगे हैं, तब की 420 गिरी को भी रेफरेंस किया गया है, जब सस्ती ताबीजों का इस्तेमाल करके बड़े बड़े दामों में बेचा जाता था। इसकी डिविनिटी के झूठे स्टेटमेंट्स देखे, जो आज भी कई जगहों में है, उस वक्त के संजय दत्त के हेयरस्टाइल का फैसिनेशन, जो गुलशन दवैया का किरदार डिपिक करता है, उस वक्त की फिल्मों पर भी रेफरेंस है। तब की आइकॉनिक कुंग फू मूवी द 36 चैम्बर ऑफ शाओलिन का पोस्टर दिखाया जाता है, मिथुन दा की एक मूवी कसम पैदा करने वाली का रेफरेंस है, और सलमान खान के मैंने प्यार किया इस फेमस लाइन का इस्तेमाल किया गया है। क्या एक जवान लड़का और एक जवान लड़की कभी दोस्त हो सकते हैं? राज और डीके के डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन इन कहानियों में एक फ्रेशनेस रखती है। सीरीज का पहला शॉट में ही पंकज कुमार का कैमरा ओपीएम फिल्म्स के क्लोज शॉट दिखाती है, जिसके इर्द गिर्द लोग भाग रहे होते हैं। काइंड ऑफ आपको रेडी करती है कि ये सीरीज खूबसूरती भी दिखाएगी और मैडनेस भी। खासकर आखिरी के दो एपिसोड को जोड़ के फिनाले बनाया जाता है, जिसकी प्रेजेंटेशन स्टाइल बहुत इंटरेस्टिंग है। कहानी बार बार पीछे जाती रहती है और हर किरदार को जोड़ती है इस फिनाले के साथ। ऐसा टेक्निक के साथ खेल आखिरी बार सक्सेसफुली शैतान मूवी में किया गया था। ये दोनों डायरेक्टर्स गाय रेची के आइकॉनिक मूवी स्नैच से इंस्पायर्ड लगते हैं। कई बार
कुछ कहानियों की बैक स्टोरी कहने के लिए उस मूवी का इंस्पिरेशन लिया गया है। इनफैक्ट इन स्पिरिट गाय रेजी जैसे फिल्म मेकर्स की फिल्मों से ही इंस्पायर्ड लगती है ये सीरीज। जिस तरह से उन्होंने फिनाले को प्रेजेंट किया है उस पे वो मुंह पे गिर सकते थे, पर ओटीटी उनको अलाउ करती है ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने की, और मुझे उनका ये अटेम्प्ट पसंद आया। इस सीरीज में इतने सारे बेहतरीन एक्टर्स हैं, पर सीन स्टीलर्स दो ही हैं, आदर्श गौरव जिनकी बात मैं कर चुका हूं, और राजकुमार राव। राव इतने टीपू बन गए थे कि उनके दौड़ने पर भी हंसी आती थी, जो ऑब्वियसली उन्होंने अक्षय कुमार की दौड़ से उधार ली है। एज अ किरदार जो कॉन्स्टेंटली कंफ्यूज है कि वो अपने मरे हुए बाप से गुस्सा है या नहीं, राव आपको हिला देंगे उनकी परफॉर्मेंस से। ये किरदार इस सीरीज का हीरो है, जो ऑब्वियसली एक मिथुन फैन दिखाया गया है, क्लियरली बोला नहीं गया पर समझ में आता है। बहुत दिनों बाद राजकुमार राव ने अपने ब्रिलियंस से फिर से दिखाया है कि वो आज के दौर के बेहतरीन एक्टर हैं। कुछ और नाम भी मैं लेना चाहूंगा, जैसे गौरव शर्मा जो राज के दोस्त बने हैं, एक और एक्टर जो भी राज का दोस्त बना है, दोनों बेहतरीन हैं, और यंग तनिष चौधरी गंगाराम एक टेढ़ा मेरा स्टूडेंट जो कुछ भी करता है सीरीज में हंसी आती है, ये सब भी बढ़िया है। दिलकर सलमान भी अपने चार बिखेरते हैं और स्क्रीन प्रेजेंस लाते हैं स्क्रीन में, जो उनको इन सब टेढ़े मेरे किरदारों से अलग बनाता है। राज और डीके की गांजो गुलाब को मैं देना चाहूंगा 3.5/5। बहुत मजा आया सीरीज को देख के, इतना नॉस्टैल्जिया, इतना अलग किरदार, इतना ह्यूमर, आखिर के वो रिव्यू इस सीरीज को स्ट्रीमेबल लवेबल विद मैडनेस बनाते हैं। ब्लू बीटल नहीं है तो क्या हुआ, आत्माराम है ना जो कभी नहीं मरता। इंतजार रहेगा सेकंड सीजन का, ऐसे काफी तार उसके लिए छोड़ दिए गए हैं। लाइक सब्सक्राइब का रिश्ता बनाए रखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को गंस और गुलाब और नेटफ्लिक्स। रिसेंट वीडियो जैसे डेडपूल 3 के शॉकिंग खबरों पर वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा, और ऐसे रिव्यूज के लिए देखते रहिए जस्टन रिव्यू। जस्टन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdyView पे, और ProNerdyDiary.blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगी।